गुड मॉर्निंग, सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु आज से हम लोग साइंस पोर्शन के बारे में भी जानना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, विच मीन्स रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस जानते हैं कि दूध, जैसे दूध से दही जमना, मेड अप ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध को गर्मी के दिनों में खुले में छोड़ देना, अंगूर या किसी भी फल का फर्मेंटेशन किण्वन जिससे अल्कोहल तैयार किया जाता है, भोजन का किसी भी जीव जंतु के शरीर में पाचन यानी कि पचना, हम लोग का श्वसन क्रिया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का श्वसन क्रिया, किसी भी आयरन की बनी वस्तुओं में जंग लगना जैसे कि कील, तवा या फिर पैन, किसी भी प्रकार की वस्तुओं में जंग लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। और ये किस प्रकार किसी भी वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास 9th क्लास के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे कि किसी भी वस्तु में किस प्रकार से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज टेक प्लेस करता था, हम लोग आज जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से किसी वस्तु में होता है और उसको बैलेंस करना, उसके विभिन्न टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम किसी एक एग्जांपल को लेकर के समझते हैं कि किस प्रकार से किसी मैटर्स में केमिकल चेंज होता है, जैसे उसे एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेड अप ऑफ कर्ड, मेड अप ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, केमिकल रिएक्शन। As we learned in previous chapter about physical changes of matter, which means liquid water converts into vapor, VA, water vapor, जिसको कि हम लोग जल वाष्प कहते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प, गैसियस स्टेट। जल लिक्विड स्टेट, आइस सॉलिड। ये फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर है। फिजिकल चेंज इन मैटर, किसी वस्तु में भौतिक परिवर्तन,
परंतु जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चैप्टर का नाम ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसलिए अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसे एक एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में केमिकल चेंज हुआ है। तो रेड पेन से this activity needs teacher assist हाँ तो दोस्तों हम लोग उस एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे जिसके द्वारा यह पता चल सके कि किस प्रकार किसी वस्तु में केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज। तो हम लोग एक एक्टिविटी देख रहे हैं, पहला है कि क्वेश्चन, ध्यान देना है कि इसमें ज़रूरी है कि शिक्षक की मौजूदगी में करना है एंड इट वुड बी बेटर एंड इट वुड बी बेटर इफ आर स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स बियर वियर आई प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जैसे कि फर्स्ट लाइन है, टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड रब इट विद ए सैंड पेपर, विच मीन्स एक मैग्नीशियम के रिबन को लेना है जिसे सैंड पेपर, जिसे हम लोग कमर्शियल नेम रगड़ने वाला के नाम से जानते हैं, क्लीन ए टू सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन अबाउट टू सेंटीमीटर लॉन्ग वाई रबिंग इट क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट टू सेंटीमीटर लॉन्ग वाई रबिंग इट विथ
सैंड पेपर जिसे हम लोग जंग छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का व्यापारिक नाम हुआ सैंड पेपर। उसी से एक मैग्नीशियम के रिबन जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हो उसे पहले रगड़ते हैं, उसके बाद होल्ड इट विद ए टंग्स, एक चिमटे के द्वारा उसे पकड़ लेते हैं एंड बर्निंग इट बाई स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड बर्न इट using a spirit lamp or burner. Hold it by tongues with tongues. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ace in so found in a watch glass. So found in a glass watch. जैसा कि पहले ही बताया गया है कि प्रिकॉशन के तौर पे ध्यान देने योग्य बात है कि इसे किसी भी शिक्षक की मौजूदगी में ही करें और हर संभव कोशिश करें कि स्टूडेंट या कोई भी जो वहाँ प्रेजेंट आदमी है वो कम से कम आई प्रोटेक्शन पे केयर करें, बिकॉज ऑफ जलने पे ये वाइट कलर का जो फ्लेम होता है वो हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व विद दिस एक्टिविटी What do you observe फिगर भी बना दिया जाए ना। मैग्नीशियम रिबन कलेक्ट द एस फाउंड white colored is collect in this plate जैसा कि दोस्तों हम लोग
पढ़ रहे हैं एक्टिविटी के बारे में जान रहे हैं कि किसी वस्तु का केमिकल रिएक्शंस विच मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंज होता है एक रिएक्शंस के दौरान। तो हम लोग पहले बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन का एक दो सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लेते हैं जिसे सैंड पेपर से रगड़ कर साफ करते हैं रब करके, उसके बाद एक चिमटे द्वारा पकड़ करके उसको आग में ले जाकर उसके एस अर्थात राख को किसी प्लेट में कलेक्ट करते हैं जो सफ़ेद कलर का होता है। और ये जो राख है हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और हवा के उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलता है। ये 5 ग्लास प्लेट है जिसमें हम दूर रहकर भी इसे सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं 5 ग्लास प्लेट। अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन हवा की उपस्थिति में विच मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर सॉरी ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स जिसमें उसके दो एटम्स हैं उसके साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। विच मीन्स हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीशियम था और हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ मिलकर गर्म करने पर विच मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर अभी नहीं लिखा जाए गिव टेम्परेचर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जिसे हम लोग आगे बैलेंस करना भी सीखेंगे। मैग्नीशियम के एक अणु ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो अणु और यहाँ MgO दोस्तों ऊपर की चीज़ें हम मिटाना शुरू करते हैं ताकि और आगे बढ़ा जा सके। दो लाइन हम मिटा रहे हैं जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है यानी Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर मैग्नीशियम डेल्टा टेम्परेचर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच मीन्स ऑक्सीजन इट टर्न इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ वाइट कलर। जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया जिसका कलर सफ़ेद था। यानी इससे हम लोग दो तीन चीज़ सीख रहे हैं कि टेम्परेचर देने से इसमें केमिकल चेंजिंग हुआ और इसका कलर जो है सफ़ेद कलर का हो जा रहा है। तो आप लोग इसके द्वारा ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच मीन्स एयर इट टर्न इनटू वाइट कलर्ड पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि यू मस्ट हैव
व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स व्हेन कहीं बोला मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग अर्थात चमक के साथ डेजलिंग फ्लेम एक चमक के साथ जलता है एंड चेंज इंटू ए कोई पेन नहीं चल रहा जी वाइट पाउडर दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर This powder is magnesium oxide. This powder is magnesium oxide. This reaction या this chemical change This is formed due to chemical reaction has taken place between magnesium and oxygen in presence of increasing temperature it is found due to इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी बर्नर या स्प्रिट लैंप के द्वारा जलाते हैं तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलता है अर्थात चमक के साथ ये जलता है और एक सफ़ेद रंग के पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यह इसीलिए बनता है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है अर्थात केमिकल रिएक्शन होता है जो कि उसे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसमें अकरेंस होता है। यह रहा आपका केमिकल इक्वेशंस जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसे हम आगे बैलेंस करना भी बताएंगे कि किस प्रकार से और कितने तरीके से इसे बैलेंस किया जा सकता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन BALANCED अनबैलेंस्ड इक्वेशन
बैलेंस इक्वेशन है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग इसके टाइप्स विच मीन्स केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस प्रकार से ये अकर्स करते हैं किसी भी मैटर्स में, और इसे किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को कहीं पे भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, अर्थात कि आप लोग को पढ़ने में कठिनाई हो, समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।